हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, अ चेन इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। मतलब कि इस तरह से हमने किसी चेन को लटकाया हुआ है। इफ द चेन हैज अ लेंथ एल एंड मास एम, देन वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। मतलब कि उसमें जो ये पूरा चेन है, इस चेन को, इसकी टोटल लेंथ है एल और मास है इसका एम, ठीक है। लेकिन इस चेन का जो वन थर्ड पोर्शन है, यानी कि एल बाय थ्री जो है, वो यहाँ पर नीचे लटका हुआ है। हम इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम इसको ऊपर खींचेंगे तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, स्मॉल वर्क डन, वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, लेंथ में। तो हम यहाँ पर इस तरह से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देखो हमें उतना मास लेना पड़ेगा जितना मास हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो, मतलब वर्क डन का, वो हो जाएगा कि आपका मास कितना है डीएम, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है, और मल्टीप्लाई करेंगे कि लेट यहाँ पर जो लेंथ है ये एक्स मान के मैं अभी चल रहा हूँ, कि हम एक्स पोर्शन को, किसी एक्स पोर्शन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, डीएम इंटू जी इंटू एक्स। ये मैंने डीएम क्यों लिया है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर इसको खींचोगे तो वैसे वैसे यहाँ पर जो लटका हुआ मास है वो कम होता जाएगा, तो यहाँ पर मास वेरिंग होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठे हो तब डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से आंसर को हम फाइंड करेंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डीएम इंटू जी एक्स, जी इंटू एक्स, एक्स क्या है, कितना पोर्सन यहाँ पर नीचे लटका हुआ है। अब डीएम जो है ना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक स्मॉल पोर्सन में मान लेता हूँ जिसकी लेंथ है डीएक्स, स्मॉल पोर्सन की लेंथ मान लेते हैं डीएक्स है। तो डीएक्स कि मास मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, मतलब स्मॉल पोर्शन का मास है, डीएम इज मास ऑफ स्मॉल पोर्शन हुज लेंथ इज डीएक्स। मतलब वो जो लेंथ है, मान लो हम इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो लेंथ है वो डीएक्स है, और उसका मास हमें फाइंड करना है। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा मास पर यूनिट लेंथ कितनी, यानी कि मास डेंसिटी एक तरह से, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो कि आपके पास कितनी लेंथ का मास आपको फाइंड करना है। जैसे आप डेंसिटी यहाँ पर निकालोगे तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ, टोटल मास कितना है, उस मास को लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। और इस मास पर यूनिट लेंथ में जब आप एक्स की, मतलब उतने पोर्सन की मल्टीप्लाई कर दो जितना पोर्सन आपको, आपने एज्यूम करा है मैंने कि डीएक्स, तो ये इस पोर्शन का, ये जो छोटा सा पोर्शन है उसका मास आपको पता लग जाएगा एम बाय एल डीएक्स। तो डीएम की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब देखो जो वर्क डन आप करोगे वही आप लिख सकते हो, डीएम यानी कि एम अपॉन एल इंटू में जी है इंटू में एक्स है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डीएक्स। डीएक्स को मैंने बाद में लिखा, देखो जी एक्स तो है ही है, डीएम की जगह एम अपॉन एल डीएक्स आएगा, तो एम अपॉन एल डीएक्स जी एक्स। अब क्योंकि हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जो लिमिट चलेगी वो मान लीजिए 0 वर्क डन पहले था, बाद में हो गया वर्क डन, और पहले 0 लेंथ थी, और मान लीजिए हमें जो टोटल लेंथ ऊपर की तरफ ले जानी है वो एक्स लेंथ ले जानी है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमारे एक्स की वैल्यू L/3 है, वो हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। तो देखो मास, लेंथ और जी, ये तो एक्स पर इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर निकालेंगे और कर देंगे एक्स डीएक्स। तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें करना है, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 से L/3, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो चलेगी 0 से लेकर के L/3 तक। तो लिमिट हो जाएगी एक्स की 0 से लेकर के L/3। तो जो वर्क डन आएगा इट विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन में लेंथ एल, और देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमें अपर लिमिट वाले कितनी है, L/3, 1/2 को ऐसे रखो, L/3 का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में एक्स की वैल्यू 0 है तो वहां पे तो कुछ रखेंगे नहीं, सीधा इस तरह से हम लिख सकते हैं एम जी अपॉन में एल। तो देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर तो एल स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया 18,
एल से एक एल गया तो ये आएगा एम जी MgL अपॉन में 18। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये तो कि कैसे आपने पूरा प्रोसेस निकाला है, लेकिन सपोज करो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए हो, तब तो आपको इतना बड़ा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट मेथड आप इस तरह से ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से करना है, तो ये ध्यान रखो कि जो वर्कडन होगा वो बराबर होगा एम जी अपॉन में 12 इंटू एक्स स्क्वायर के। मैं समझाता हूँ ये कैसे। देखो हमारे जब इंटीग्रेशन किया तो हमने इतने तो लाया एम जी अपॉन एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। तो डायरेक्टली आप इसको याद रखो कि जब आप इसको इंटीग्रेशन करने के बाद लिख रहे हो तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्कडन का एम जी अपॉन में 12 इंटू एक्स। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, इससे बढ़िया एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वो पार्ट हो जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा जो यहाँ पर लटका हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में एल बाय थ्री, मतलब एक्स इज दैट दैट लेंथ विच हैज टू बी पुल अप, मतलब जिसको आप ऊपर की तरफ खींचना चाहते हो वो एक्स लेंथ हो जाएगी। तो देखो डायरेक्टली एक लाइन में अब कैसा आंसर आ जाएगा, एम जी अपॉन में 12 और एक्स कितना है हमारा एल बाय थ्री, तो एल बाय थ्री का स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा एम जी एल स्क्वायर अपॉन में 3 3 जो 9 2 जो 18 और एल एल से एल कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा एम जी अपॉन में 18 और एल यहाँ पर आ जाएगा, तो भी आंसर कितना आ रहा है बी। तो शॉर्ट मेथड ध्यान रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सीधा एम जी अपॉन में 12 इंटू एक्स स्क्वायर याद कर लो, एक्स मतलब वो लेंथ जिसको आपको ऊपर खींचना है। आई होप कि अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव में मैंने आपको इंटीग्रेशन बता दिया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में अगर आप बैठे हो तो इस तरह से करो।